सानी आज फिर उपस्थित हो गई हूँ आपके सामने और आज मैं अपने भाई के घर में आई हुई हूँ देहरादून। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं देहरादून जाऊंगी और मैं बना रही हूँ अपने भाई के बेटे और बेटी के लिए शकरकंदी चाट। और मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि मैं शकरकंदी की चाट किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि शकरकंदी चाट बनाए मैंने क्या क्या सामान लिया है। शकरकंदी चाट बनाने के लिए हम ले लेंगे कुछ पीसेस बॉइल्ड की हुई शकरकंदी और मैं इसमें डालूंगी उबला हुआ आलू। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए पहले मैं इस बॉल में शकरकंदी कट कर लूंगी। आपने इस तरह से गोल गोल कट कर लेनी है शकरकंदी को और बहुत अच्छी हेल्दी बनती है। तो मेरे भाई के बेटे की डिमांड थी कि बुआ आज कुछ बनाओ, तो मैंने बोला शकरकंदी चाट खाते हैं, तो उसी की डिमांड पे आज बन रही है। तो इस तरह से आपने काट लेना है, छोटा छोटा पीसेस अपने हिसाब से लेना है। और इसमें हम डालेंगे एक आलू, बॉइल्ड आलू है, कच्चा आलू नहीं लेना है। आपने शकरकंदी को भी बॉइल लेना है और आलू को भी। इस तरह से आपने कट कर लेना है। इसके अंदर ये कम से कम 250 ग्राम के करीब शकरकंदी हमारे पास और दो बॉइल किए हुए आलू है। इस तरह से हम सारे कट कर लेंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे अपने मसाले। मसाले के लिए हम लेंगे इसके अंदर नमक टेस्ट के अनुसार, हमें नमक अपने टेस्ट के अनुसार लेना है। काली मिर्च ले लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, हरी मिर्च लेंगे थोड़ी सी टेस्ट के अनुसार चटपटी बनाने के लिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। काली मिर्च जरूर डालिएगा क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आता है और काला नमक भी जरूर डालना है। हरा धनिया नहीं था आज मेरे पास, वरना मैं हरा धनिया भी डालती। और आपके पास अगर हरा धनिया हो तो उसे बारीक बारीक कट के डाल लेना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये स्वीट सॉस, हमें स्वीट सॉस को भी डालना है। और हम डालेंगे ये हरी सॉस, ये हम हरी सॉस है, चटपटी बनेगी और स्वीट सॉस दोनों को डालना है। और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, इसको हम दोनों उससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चटपटा बनाना है। चटपटी ये शक्करकंदी की चाट मेरी अब रेडी हो चुकी है, मैं सर्व करूंगी अपने भैया भाभी को, तो वो मुझे खाकर बताएंगे कैसी बनी है। तो चलिए चलती हूँ मैं उनके पास। आ गई हूँ मैं अपनी ये शक्करकंदी की चाट बनाकर अपने भैया भाभी के घर पे और मैंने बताया था, अब वो खाकर मुझे बताएंगे कि मैंने चाट कैसे बनाई। तो बताइए। थैंक यू। क्योंकि मैं तो आपको बताया था कि मैं देहरादून आई हुई हूँ, मुझे कल जाना है और काफी एंजॉय कर लिया मैंने और खूब एंजॉय करा भाभी के साथ। आज पैसिफिक मॉल भी गई थी, उसकी भी वीडियो शूट करी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। और अपने फ्रेंड की जो मैं गई थी वो भी वीडियो शूट करी, जो भी आपको दिखाया जाएगा। कैसी लगी है भाभी? एक्सीलेंट। लवली जितिन कैसी लगी? एक्सीलेंट। कुछ कहना चाहेगा मेरी वीडियो के बारे में? बहुत बढ़िया। चलो मिलूंगी मैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।